विंडोज 11 इज अ बिग डील फॉर माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि विंडोज 11 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसे ऐसे फीचर्स को ऐड किया है जो वो कभी भी यूजर को विंडोज 8 या 10 के साथ नहीं दे पाया। एक सेंट्रलाइज्ड और कस्टमाइज वे में सारा चीज एक जगह पे देना, एंड्रॉइड एप्लीकेशन सिक्योरिटी के सारे फंक्शन फीचर एक जगह पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम में देना बहुत बड़ा चेंज है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। लेकिन जितना बड़ा ये चेंज है उतना ही बड़ा चैलेंजिंग भी है माइक्रोसॉफ्ट के लिए, और यूजर के लिए उतना ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएटिंग है। तो सबसे पहले जानते हैं कि किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने जो भी विंडोज 11 के अंदर चेंज लाया है या सिक्योरिटी लेवल पे जो भी इम्प्लीमेंटेशन किया है वो आज के टाइम के हार्डवेयर को देखते हुए किया है। उसकी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से ही सारा सिक्योरिटी फीचर ऐड किया गया है, जैसे कि सिक्योर बूट, TPM एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो काफ़ी टाइम से पुराने हार्डवेयर को यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएटिंग हो सकता है और बहुत सारे यूजर इस प्रॉब्लम को फेस भी कर रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अब एक नया ऑप्शन दे दिया कि अगर आप अपने हार्डवेयर पे विंडोज 11 को इंस्टॉल करते हैं, विंडोज 10 से विंडोज 11 को अपग्रेड करते हैं, और 10 दिन के अंदर अगर आपको ये चीज़ पसंद नहीं आता है, कोई एप्लीकेशन कोई फंक्शन फीचर पसंद नहीं आता है, तो वापस आप रोल बैक कर सकते हैं विंडोज 10 के ऊपर। ये तो लेटेस्ट अपडेट है माइक्रोसॉफ्ट का। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आज के हार्डवेयर को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज के अंदर चेंज लाया है तो जो बहुत टाइम से यूजर्स हार्डवेयर को यूज कर रहे हैं उनका क्या होगा, क्योंकि कॉम्पेटिबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। आज की सिक्योरिटी फीचर को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आज के हिसाब से आपको हार्डवेयर चाहिए, तभी वो उस पर सही तरीके से काम करेगा, उतना ही बढ़िया फीचर और परफॉर्मेंस देगा। तो यूजर के एंड पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होगा कि किस तरीके से वो अपने पुराने हार्डवेयर पे विंडोज 11 को सही तरीके से यूज कर पाए, क्योंकि विंडोज 8 और 10 को किसी भी हार्डवेयर पे यूज करना, इंस्टॉल करना, अपग्रेड करना बहुत आसान था। लेकिन विंडोज 11 के साथ ऐसा नहीं होने वाला है। इसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट पहले से ही स्पेसिफाई कर दी गई है, क्या क्या चीज होना चाहिए आपके सिस्टम में, कितना रैम कितना स्टोरेज होना चाहिए, सिक्योरिटी लेवल हार्डवेयर सिक्योरिटी लेवल पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सारा चीज़ ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया गया है। AMD का कौन सा प्रोसेसर काम करेगा, इंटेल का कौन सा प्रोसेसर काम करेगा, ये सारा चीज़ स्पेसिफाई कर दिया गया है। तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट को ये डर लग रहा है कि कहीं बहुत सारे यूजर्स विंडोज 10 से अपग्रेड करके विंडोज 11 पे ना जाए, इसलिए उसने अब उनको ये ऑप्शन दे दिया है कि अगर आप विंडोज 11 पे माइग्रेट करते हैं और वहाँ पे अगर आपको 10 दिन के अंदर कोई फंक्शन फीचर पसंद नहीं आता है तो आप वापस डाउनग्रेड करके विंडोज 10 पे आ सकते हैं। सो दिस इज अ बिग थिंग राइट नाउ फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। अब देखना है ये है कि जब विंडोज 11 लॉन्च होता है तो कितना पॉपुलैरिटी ये गेन करता है, क्या ये उसी तरीके से काम करेगा यूजर्स के लिए जिस तरीके से विंडोज 10 और 8 ने किया है।